आपको एक यूट्यूबर जरूर बनना चाहिए, क्यों? उसके लिए वीडियो पूरा देखो। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग जरूर है, बट ये आपके दिमाग में जरूर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा खासा क्रिएट करने में सक्षम रहेगा। पहले के टाइम पे लोग डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ जाने माने करियर्स के अलावा कुछ और प्रोफेशंस के बारे में जानते तक भी नहीं थे, और उनको बस वही करना था, क्योंकि बचपन से हम सभी को वही सिखाया जाता है कि बेटा तुझे डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर। लेकिन कोई यूट्यूबर भी बन के एकदम अपने लाइफ को एकदम तगड़ा वाला बना सकता है, कभी किसी ने सोची नहीं होगी। लेकिन आजकल तो ये लोग सोच पा रहे और खुद एक्सपीरियंस भी कर पा रहे। देखो हाँ, मैंने कुछ उखाड़ा नहीं अभी तक उतना खास, बट हाँ इतना मैं जरूर बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस के थ्रू, कि मेरे लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है ब्रो। एंड डेफिनेटली बता रहा हूँ, अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करोगे ना आज मैं जो भी बताऊंगा, तो गारंटी के साथ आप खुद भी बदल जाने वाले हो, और आप कहां से कहां चले जाने वाले हो आपको खुद अंदाजा भी नहीं होने वाला है। आजकल आपको हर दूसरे तीसरे घर में एक या उससे ज्यादा यूट्यूबर्स देखने को मिल जाएंगे। मकसद अगर उनसे पूछा जाए तो वो सिर्फ ये बताते हैं, भाई मैं यूट्यूबर बनूंगा और खूब सारा पैसा कमाऊंगा, क्योंकि मैं तो बस पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यार सोच तो बढ़िया है, बट क्या यही सिर्फ अल्टीमेट चीज है या फिर नहीं? देखो जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना यूट्यूब के लिए, तब मुझे लिटरली पता नहीं होता था कि भाई यूट्यूब से एक्चुअली में पैसे वैसे कैसे कमाया जाता है, और सबसे मेन चीज़ पैसा मैं कमा भी सकता हूँ। ये मुझे कभी लगा भी नहीं था कि भाई हाँ मैं कमा सकता हूँ कभी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स या फिर ऐसे सोशल मीडिया या इंटरनेट के थ्रू, मुझे ये सब चीज़ें नहीं लगता था। कैसे बोला जाता है मुझे वो भी नहीं आता था, लिटरली एक लाइन बोलने के लिए मैं 5 बार कट किया करता था, और वो भी अच्छे से ढंग से नहीं बोलता था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे शब्दों के अंदर, मेरे बातों के अंदर हुआ करते थे। बट आज अभी जो ये मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको लग रहा है कि मेरे अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं बात करने में थोड़ा सा भी क्या झिझक रहा हूँ? देखो आप मुझे अपना एक बड़ा भाई मान सकते हो, या तो एक छोटा भाई मान सकते हो, नहीं तो एक गुड एडवाइजर भी मान सकते हो। लेकिन आज जो मैं आपको एडवाइस दूंगा ना, वो आपको पूरी जिंदगी भर याद जरूर रखना है। आपको पता है गीता में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो भाई ये चीज ना अपने आप में अगर आप खुद एक बार फॉलो करना शुरू कर दोगे, ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके लाइफ में ला सकता है कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। हम लोग जो काम करते हैं अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, तो वो हम क्यों करते हैं? हमारा उसके पीछे एक मकसद रहता है। वो मकसद ये है कि हमें उस काम के बदले कुछ रिवॉर्ड मिले, जिसके जरिए हम लोग अपने लाइफ में और ज्यादा खुशियां ला सकते हैं, अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। यही तो होती है ना अल्टीमेट हमारे डिजायर, कि ये काम हम करेंगे बट हमें इसके बदले ये चाहिए, पैसा चाहिए। अब ये जो रिवॉर्ड है, ये आपको दो तरीके से स्पेशली मिलते हैं, या तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है, नहीं तो इनडायरेक्टली मिलता है। इनडायरेक्टली जो ये मिलता है ना, यही एक्चुअली फंडा है। डायरेक्टली तो आपको कुछ भी मिल सकता है, लाइक आप मनी मांग रहे हो, आपको मनी सैलरी के रूप में मिल रहा है, पैसा डायरेक्टली आ जा रहा है, आप काम कर रहे हो उसके बदले पैसा मिल रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कि हमें इनडायरेक्टली रिवॉर्ड देती है, और उन सभी चीजों का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अगर कोई बंदा उस इम्पैक्ट को खुद से पकड़ ले, खुद से कैच कर ले, तो उसका और कोई डेवलपमेंट रोक नहीं सकता है। वो खुद को बहुत इम्प्रूव कर सकता है, लाइक मैं जैसे अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ आ रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ एंड इन फ्यूचर भी करता रहूंगा, तो वैसे ही हर कोई कर सकता है। हर कोई लोग आज के टाइम पे यूट्यूब इसीलिए करने आते हैं ताकि उनको अगले महीने से पैसा आना शुरू हो जाए, या तो वो बहुत ज्यादा करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, या फिर एक बहुत फेमस यूट्यूबर बन जाए। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप एक फेमस यूट्यूबर बन जाते हो, आपको पैसा आना शुरू हो गया, इसी की वजह से आप यूट्यूब पे हो, अदरवाइज आप नहीं हो। कभी कभी ना कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखा जाती है, देके जाती है, पैसों से बढ़कर वो सारी चीजें होती है। संदीप महेश्वरी सर जी ने एक बहुत बढ़िया एक बात कही थी कि खुद को, अपने आप को इतना ज्यादा काबिल बना लो, इतना ज्यादा अपने आप को बिल्ड कर लो, इतना स्किलफुल बना लो कि आपकी जो वैल्यू है ना वो पैसे से कभी मापी नहीं जा सकती है। कभी आपने ये सोच के भी देखा है कि आपके माइंड में कोई ओपिनियन चल रहा है, किसी के बारे में कुछ थॉट चल रहा है, कोई चीज के बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहते हो, आपको कुछ पता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो आप बोलना चाहते हो। अब ये जो चीजें बोलना चाहते हो, आपके सामने अगर कोई 2-4 बंदा हो तो वो सुन लेंगे, या तो शायद वो बोर होके बोलेंगे भाई रुक जा यार नहीं सुनना है, और वहां पे ना आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर नाराजगी और दुख फील आएगी कि भाई मैं अपने इंटरेस्ट के साथ सुना रहा था इनको, बट ये लोग तो इंटरेस्टेड है ही नहीं। लेकिन ये चीज बिल्कुल नहीं होता है यूट्यूब के मामले में। आप अपनी सारी ओपिनियंस रख सकते हो, आप अपनी सारे ख्याल थॉट्स सब कुछ शेयर कर सकते हो ऑनलाइन पब्लिकली, जहाँ पे आपके जैसे जितने भी लोग हैं सब आपको सुनने के लिए राजी है। कभी कभी हमें लगता है यार मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, क्या मुझे कोई सुनेगा, क्योंकि मेरा क्या है भाई, मुझे कौन लोग जानते हैं, मेरे थॉट्स मेरे ओपिनियंस क्यों सुनेंगे लोग। बट बिलीव मी, लिटरली बिलीव मी, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन, कि मुझे भी लगता था भाई मैं बोलूंगा तो क्यों सुनेंगे लोग, बट आज तो सुनते हैं ना, बहुत सारे लोग सुनते हैं, आप सुन रहे हो,
क्योंकि आपको लगता है कि नहीं भाई ये जो बोल रहा है ये एकदम सही बोल रहा है। ये स्पेस आपको कौन दे रहा है? YouTube दे रहा है। ये चीज आप कितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, कितने लोगों को सुना सकते हो? बस YouTube है, दैट्स वाई इट इज पॉसिबल। नंबर सेकेंड, जो इनडायरेक्ट रिवॉर्ड हमें मिलता है ना, वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। और बिलीव मी, ये एक लौता ऐसा चीज़ है अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में, जो आपके लाइफ को तो क्या पूरी दुनिया को बदल के रख सकता है इधर से उधर। आज संदीप महेश्वरी सर अपने बातों के जरिए, अपने थॉट्स के जरिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए पूरी दुनिया को मोटिवेट करके रखे है, पूरी दुनिया को बदल चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं, एंड दैट्स ओनली फॉर हीज कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर मेरी खुद की वीडियोज उठा के देखोगे जो मैंने पहले बहुत पहले बना के रखे, एकदम पहले पहले के वीडियोज, तो लिटरली आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कैसे बोलता था, मेरी कम्युनिकेशन स्किल कैसी थी, क्या कॉन्फिडेंस लेवल था मेरे बोलने में, और अब क्या है। कम्युनिकेशन स्किल इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा मैटर करता है ना दोस्त, कि आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके बिहेवियर, आपके खुद के थॉट्स, ओपिनियंस के बारे में सामने वाले लोगों को, इवन पूरी दुनिया को बताता है, एंड दुनिया को बदल के भी रख सकता है। हमारे इंडिया में आपको एजुकेटेड पीपल तो बहुत देखने को मिल जाएंगे जो ग्रेजुएट करके बैठे हैं या फिर 12th पास है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड है, लेकिन कैसे पब्लिकली स्पीकिंग करना पड़ता है वो उनको लिटरली पता नहीं होता है। कैसे पब्लिक में जाके हज़ारों लोगों के सामने, 1,00,000 लोगों के सामने बातें करना होता है, या फिर कुछ 100 लोगों के सामने भी कैसे बातें करना होता है वो भी उनको थोड़ा सा पता नहीं होता है। वो थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता है उनके अंदर जब भी वो उस सिचुएशन के रूबरू होते हैं। बट सीरियसली बता रहा हूँ, यूट्यूब आने के बाद से बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल एकदम नेक्स्ट लेवल वाला इंप्रूव हो चुका है। आजकल अगर कोई यूट्यूबर को बोल दो ना ऐसे ही कि भाई तू इस इंटरव्यू में चला जा, तो गारंटी बता रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह छोड़ के, पढ़ाई के क्वेश्चंस वगैरह छोड़ के, अगर उसके एटीट्यूड के ऊपर या फिर उसके स्पीकिंग स्टाइल के ऊपर बात आए ना, तो वो बंदा फुल मार्क्स लेके जा सकता है, बिकॉज ही नोज और शी नोज कि हाउ टू टॉक टू समवन, कैसे किसी को एंगेज रखना है, कैसे किसी को अपने बातों को अच्छे प्रेजेंट करना है, सब कुछ उसको आता है। तीसरी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एंड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनडायरेक्ट रिवॉर्ड हमें मिलता है वो है स्किल डेवलपमेंट। ये लिटरली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे इसको इमेजिन करके भी शायद सोच नहीं सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये है। आज के टाइम पे आपको इंडिया में हर एक बंदा बोल देगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ, 12th पास हूँ, PhD करके बैठा हूँ, MA हूँ, मास्टर करके बैठा हूँ, लेकिन कोई आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा जो बोलेगा भाई मैं इतना ज्यादा स्किलफुल हूँ, मेरे अंदर इतने सारे स्किल्स हैं। बहुत कम बंदे ही होंगे जिनके पास आपको दिखेंगे एक्चुअली में उनके पास स्किल है। बट YouTube आने के बाद ये सीन टोटली बदल के रख गया है। लिटरली एक बंदा जब YouTube वीडियो बनाता है तब उसके साथ साथ वो अपने वीडियो को एडिटिंग भी करता है, अपने थंबनेल्स भी बनाता है, कैसे क्या चीज अच्छा दिखेगा, किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं ऑडियंस को, वो सभी चीजें उसके माइंड में दौड़ती रहती है। एंड इन सभी के बाद वो बंदा एक दिन बहुत ज्यादा वीडियोस बना लिया, जब उसको एक्सपीरियंस आ गया बहुत ज्यादा, उसके बाद वो इतना अच्छा बन गया उस फील्ड में कि उसको पता है कि किसी भी इंसान के माइंड को कैसे कैच करना है, किसी भी इंसान को किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, वीडियो के जरिए कैसे एडिट करना है, किस तरीके से ले जाना है इस चीज को, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, कैसे इस वीडियो को सजाना है, सब कुछ A to Z उसको प्लानिंग के तहत उसको ले जाना पड़ता है। एंड वो करने के बाद ना उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाती है जो स्किल्स हम बोलते हैं। वीडियो एडिटर भाई आज के टाइम पे इतना डिमांड है, थंबनेल की खुद बात कर लो, थंबनेल जो बनाते हैं ना उनकी इतने ज्यादा डिमांड है, सिर्फ यूट्यूब में नहीं बाहर के दुनिया में भी, बैनर्स वगैरह और भी कितने सारा न जाने ग्राफिक डिजाइन के कितने ज्यादा आज के टाइम पे वैल्यू बढ़ चुके हैं। और लिटरली ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं कि एक बंदा डिसिप्लिन हो जाता है, उसको स्केड्यूल टाइमिंग के वगैरह में बहुत कुछ पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट उसको आ जाता है। मैं खुद इतना ज्यादा बेकार टाइम मैनेजमेंट के साथ अभी भी बहुत टाइम हो नहीं पाता है कि मेरे से मैं कैसे हैंडल करूं, किस तरीके से मैनेज करूं, कभी कभी दिन में मैं फालतू काम भी कर लेता हूं जो कि मुझे नहीं करने होते, बट स्टिल मैं ना कहीं सीख रहा हूं और भी बहुत ज्यादा सीखा हूं, जो कि मैं पहले बहुत ज्यादा बेकार में टाइम गवा देता था, वेस्ट करता था, वो आज के टाइम पे बहुत कम हो चुका है। एंड मैं इसको इन फ्यूचर और भी कम करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे सिखाया कि टाइम का कैसे वैल्यू देना है, किस तरीके से प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज इन्वॉल्व रखना है। एंड यही नहीं, सबके बाद आपको यूट्यूब दे रहा है एक डायरेक्ट रिवॉर्ड जिसको आप मनी बोलते हो, पैसा बोलते हो, फेम बोलते हो, पॉपुलैरिटी जो होती है, वो सभी चीजें यूट्यूब दे रहा है। और क्या चाहते हो? इन सबको सुनने के बाद और देखने के बाद कोई इंसान क्यों नहीं चाहेगा कि वो भी एक यूट्यूबर बने? बट हाँ, एक रियलिटी है, ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं, बिल्कुल है नहीं। लोग आधे से ज़्यादा लोग तो छोड़ वही देते हैं जो जहाँ पे वो उनको इम्प्रूव करना होता है, एक्चुअली में वही स्टेज होता है जहाँ पे आप इम्प्रूव करते हो एंड देन आप आगे बढ़ते हो। सो या कीप इट इन माइंड, आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस मैटर बिकॉज यू नो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्रिएटर्स, आई फील कि पर्सनली मैं एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो कि चाहता है कि अपने ऑडियंस, अपने सब्सक्राइबर्स या फिर जितने भी लोग मुझे देख रहे हो आज,
फर्स्ट टाइम के लिए, वो भी प्लीज़ सभी चीज़ को ना थोड़ा सा ऐसे लो कि यार ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमको एकदम स्ट्रेट कार्ड में जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसका एकदम स्ट्रेट कार्ड हमें रिवॉर्ड मिल जाए। कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमें घुमा फिरा के भी मिलता है, वो जो हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता है, उसी को तो हम इनडायरेक्ट बोलते हैं ना। तो वो सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है तो भाई ऐसे काम करते रहने पड़ेंगे। और यूट्यूब करो, बट ऐसा सोच के बिल्कुल मत करो कि मैं कल परसों बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाने वाला हूँ, ये बिल्कुल मत सोच रखो। बस करो अपने इन्जॉयमेंट के लिए और अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बस दैट्स इट। एंड बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा यार, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा कि कब कैसे क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो आई डोंट नो कितना बड़ा हो गया, मुझे एडिटिंग में पता चलेगा। स्टिल यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टुमॉरो, गुड बाय एंड लव यू ऑल।